शैतान 2024 की लोकप्रिय फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में अजय देवगन, आर माधवन और जानकी बॉडीवाला मुख्य भूमिका में हैं। इसके रिव्यू की बात करें तो यह फिल्म हॉरर थ्रिलर जॉनर की है और लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म में अजय देवगन की बेटी पर माधवन वशीकरण जादू करते हैं और उनको अपने वश में करते हैं। माधवन अजय की बेटी से वो सारे काम करवाते हैं जो उन्हें पसंद हैं। इस फिल्म में माधवन एक बाबा हैं और अंधेरी शक्तियों के राजा की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई है। दिखाया गया है कि जहां अजय देवगन का परिवार अच्छाई के रास्ते पर भगवान की पूजा करके अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरी ओर माधवन भगवान और अंधेरी शक्तियों का सहारा लेकर अजय के परिवार के साथ बुरा करने पर तुला हुआ है। इस फिल्म में ज्योतिका ने अजय देवगन की पत्नी की भूमिका निभाई है और जानकी बॉडीवाला ने अजय और ज्योतिका की बेटी की भूमिका निभाई है। यदि आप अलौकिक हॉरर या रोमांचक फिल्म अनुभव की तलाश में हैं, तो यह फिल्म देखने लायक है। निर्देशक विकास बहल और लेखक आमिल के खान और कृष्णदेव याग्निक सस्पेंस और ट्विस्ट से भरा एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ड्रामा पेश करते हैं। शैतान फिल्म की हॉरर थीम और माधवन की परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब पसंद किया है। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।